I'm looking there. All right. So question can come from any direction. Any direction. So that's right. It's the second season of Rising Star. और मैं ये second season जो है वो host कर रहा हूँ. पहला season मैंने देखा. And I'm a fan of the first season. और सबसे ज़्यादा exciting बात जो इस show के बारे में है, it is the first live singing show of India. जहाँ पे आप भी अगर देख रहे हैं, so it's an interactive medium. आप देख रहे हैं, you can vote for the contestant while you're sitting at your home. और वोट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उस कंटेस्टेंट के लिए वोट कर सकते हैं. एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अगर आपको कोई पसंद आया तो इमीडिएटली उसको भी पता चलता है और आप भी उसको इमीडिएटली बता सकते हैं कि आपको वो इंसान पसंद आया. और अगर पसंद नहीं आया तो वो दीवार नहीं उठेगी और उसको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने उसके लिए वोट नहीं किया. सो इसका सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पॉइंट, सबसे बड़ी बात जो है वो द फैक्ट दैट इट इज़ लाइव एंड द फैक्ट दैट द वोटिंग इज़ ऑर्गेनिक. आप क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होना, ये ज़रूरी है कि इनमें से कोई एक चीज़ डिफिकल्टी हो? ये भी तो हो सकता है कि कौन सी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, कौन सी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है. तो मुझे दोनों में बहुत मज़ा आ रहा है. एंटरटेनमेंट की रात में मैंने अपने आप का एक अलग डायमेंशन देखा. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दैट शो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट उठाने से पहले एक थोड़ी बहुत इनहिबिशंस आपके अंदर होती हैं. क्या मैं सही फैसला ले रहा हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बट अब इतने एपिसोड्स हो जाने के बाद आई एम वेरी क्लियर दैट इट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट राइजिंग स्टार आल्सो. सलमान खान प्रमोटेड योर शो? यस ही डिड. यस. तो पूरे बिग बॉस सीजन 11 में सलमान भाई बोलते रहे कि राइजिंग स्टार की ऐप डाउनलोड करो. तो आप लोगों ने में से किस किसने कर लिया ऑलरेडी? कर दी फिनाले भी कर ली. चलो भाई, तो मतलब इतने वोट्स तो आई जाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए. सो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज सलमान भाई सेइंग इट, ही सेड इट थ्रू आउट द सीजन एंड दैट्स अ यू नो. सो मतलब वो जिस तरीके से प्रमोट करते भी थे उसमें भी एक बड़ी एंडियरिंग क्वालिटी थी उनकी. तो बिग बॉस के फिनाले के दिन हमारा प्रमोशन हुआ, जो कि आई एम श्योर वॉज सैम्पल्ड बाई एवरीबडी इन द कंट्री. सो एवरीबडी नोज दैट राइजिंग स्टार इज कमिंग Saturday and Sunday, 20th of January, you know, 9 PM, and it's live. So, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है that Salman Bhai himself on Big Boss promoted us. सीखने को तो अभी तो काम करना शुरू ही किया है हमने. एक लाइव टेस्ट वाला एपिसोड ही हुआ. आपको पता है कि ये शो लाइव है, तो सैटरडे का एपिसोड, मतलब 20 तारीख का एपिसोड हम 20 तारीख को ही शूट कर रहे होंगे. जब आप देख रहे होंगे, हम लोग उस टाइम पे वही मोमेंट शूट कर रहे होंगे. तो मेरा जो पहला इंटरेक्शन दिलजीत को, मैं जानता हूँ एज एन एक्टर, आई रियली रियली अडोर हिम, बट मैं उसको एज एन इंडिविजुअल भी जानता हूँ, उनको एज एन इंडिविजुअल भी दिलजीत को जानता हूँ, बिकॉज ऑफ सरगुन. बिकॉज दिलजीत और सरगुन सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं. तो ही इज़ सो अडोरेबल एंड ही इज़ सो इनकरेजिंग. इतने वार्म है वो कंटेस्टेंट्स के लिए, इतने वार्म है वो वैसे भी किसी से मिलते हैं तो वो शायद वो उनका बड़प्पन ही है और एक वार्म ही है जो उनको उनके करियर में भी इतनी ज़्यादा आगे लेकर के आया है, उनके इवन एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, इवन एज एन एक्टर. शंकर जी, यूड बी वेरी सरप्राइज्ड, ही इज़ वेरी फनी. वो बहुत, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल है ना, आप उनको शो पे देखेंगे एंड यू विल गेट टू नो. इवन व्हेन यू सी हिम ऑन एंटरटेनमेंट की रात, ही वाज देयर फॉर वन एपिसोड, वन ऑफ द, आई मीन इट वाज सच अ शॉकर कि मैंने इनको हमेशा ऐसा लगा कि बड़े ही सीरियस म्यूजिशियन एंड वेरी वेरी सीरियस अबाउट हिज क्राफ्ट, विच ही इज, बट ही इज ऑल्सो एक्सट्रीम, ही इज गॉट सच अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. तो वो एंड देन ऑब्वियसली मोनाली. मोनाली के बारे में ये कहूँगा दैट शी इज वेरी वेरी चाइल्ड लाइक. आई मेट हर ओनली वंस, आई हैव डन वन परफॉर्मेंस विद मोनाली अर्लियर, बट शी वाज देयर ऑन एंटरटेनमेंट की रात एंड शी इज गॉट दिस प्लेजेंट इनोसेंस अबाउट हर सेल्फ. तो वो बहुत आसानी से हर किसी का दिल जीत लेंगे, ये मैं लिख के कहीं भी दे सकता हूँ. तो ये सोच, हाँ, कि जब सोच की दीवार उठेगी तभी सितारे चमकेंगे, ये शो की टैगलाइन है और यही शो का सोल और DNA. जब सोच की दीवार उठेगी तभी सितारे चमकेंगे. अगर आपको आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो पीछे खींच के रखती है, आपको ग्रो नहीं करने देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, तो वो दकियानुसी सोच ही होती है. ऐसी और ये दकियानुसी सोच सिर्फ एक ही मायने में नहीं है, सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं है, इसका बहुत डायमेंशन है इसके. वो उम्र को लेकर के हो सकती है, वो कल्चर को लेकर के हो सकती है, वो एक प्री एग्जिस्टिंग एक फैमिली कल्चर को लेकर के हो सकती है, चाहे वो भाषा को लेकर के हो सकती है. ऐसी हर दीवार को आप इस शो में उठते हुए देखेंगे. मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि श्री प्रसन्ना करके एक कंटेस्टेंट है, हिंदी का एक शब्द नहीं आता उनको, मगर जब आप गाते हुए उनको देखेंगे, शी कैन गिव कॉम्पिटिशन टू द बेस्ट सिंगर्स इन इंडिया, बेस्ट हिंदी सिंगर्स इन इंडिया, वरना उनको हिंदी का एक शब्द नहीं आता. आप उनके सामने हिंदी बात करेंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा. तो भाषा की दीवार वो उठाएंगे हमारे शो में.
रोहनप्रीत सिंह करके एक है, आपको अक्सर ये नेपोटिज्म का जो डिबेट अक्सर चलता रहता है हमारे देश में कि मतलब नेपोटिज्म नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू एवरी अदर फील्ड, कि डॉक्टर का बेटा जो है डॉक्टर ही बनता है, नेता का बेटा नेता ही बनता है, पहलवान का बेटा पहलवान ही बनता है, पावर लिफ्टर का बेटा पावर लिफ्टर ही बनना चाहिए. तो रोहनप्रीत के जो फादर हैं वो पावर लिफ्टर हैं और ये एक सिंगर हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही चार्मिंग सिंगर हैं. आप शायद मिलेंगे भी जल्दी, अगर आज नहीं तो आप जल्दी मिलेंगे भी रोहनप्रीत से. तो वो इस सोच की दीवार उठाने के लिए राइजिंग स्टार में आए. देन देयर इज समबडी, घरेलू जो एक घरेलू शोषण होता है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अक्सर घरों में देखा गया. आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने बहुत चीज़ें कवर भी की होंगी और आई एम श्योर कि हम में से कुछ लोगों ने उसको अपने घरों में भी ये देखा या सुना होगा, बेशक अनुभव नहीं किया होगा डायरेक्टली मगर फिर भी देखा या सुना होगा. इट्स वन ऑफ द इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग. वी हैव अ कंटेस्टेंट हु इज बीन एबल टू राइज अप फ्रॉम दिस यू नो दीज डोमेस्टिक सिचुएशंस और वो ये सोच की दीवार उठाने वाली है कि जब ये घरेलू शोषण होता है तो आदमी की सेल्फ वर्थ कितनी नेगेटिव हो जाती है. वो नेगेटिव सेल्फ वर्थ से उभर के अपना एक वजूद बनाने के लिए राइजिंग स्टार में आ रही हैं. तो हर मायने में सोच की दीवार इस शो में उठेगी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद दिस बिकॉज द हार्ट इज इन द राइट प्लेस. सलमान भाई बहुत चार्मिंग है, वन ऑफ द मोस्ट ही इज द मोस्ट चार्मिंग होस्ट दैट इंडिया हैज एंड मतलब वो तुरंत जिसके साथ भी वो बात करते हैं परिवार बन जाते हैं. और बिग बॉस के इतने सदस्य आए, इतने घर में आए, लेकिन जब भी आपने उनको देखा होगा इट इज़ लाइक ही नोज़ द शो एंड दीज पीपल लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड. एंड वो किसी भी होस्ट में एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है कि आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मन लगता है वहाँ पर, आपका मन लगता है उन लोगों के साथ में. सो आई एम वेरी आपका मन लगता है उन लोगों के साथ में, चाहे वो मुझे ऐसा बहुत दिल से मैं जानता हूँ कि मेरी चाहे वो दिलजीत शंकर मोनाली हो, चाहे वो कंटेस्टेंट्स हो, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है शो. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी एसोसिएटेड. ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन. जी 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 जी. व्हाट इज योर रिएक्शन? बिग कांग्रेचुलेशंस टू हर. हिना और विकास मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खेले दोनों अपने अपने लेवल्स पे. उन्होंने बहुत अच्छा खेला शो के अंदर, आपने मेरे ट्वीट्स वगैरह सब देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं मैं करता ही रहता था इन लोगों के लिए. सो दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब. जिस वॉलेटाइल स्पेस में उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी होल्ड करके यहाँ तक पहुँचे, कोई खाने का काम नहीं. और जहाँ तक शिल्पा का सवाल है, शिल्पा हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग इन द शो. जो इन लोगों को जो जो टैग्स मिले शो में वो डिजर्व करते थे. अगर विकास को मास्टरमाइंड का टैग मिला तो वाकई डिजर्व करता था, वो मास्टरमाइंड ही था. अगर कोई टेम्पलेट कभी बनेगी कि बिग बॉस कैसे खेला जाना चाहिए तो विकास गुप्ता से ही सीखे खेले, बिकॉज ही इज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब इन द शो. एंड हिना फॉर दैट मैटर, यू नो शी इज़ गॉट इट. Okay, so Hina also for that matter was somebody who's I have spent personal time with her in Barcelona. She's a beautiful individual. She came to the level of top two. और अगर वो हारी में हैं तो शिल्पा शिंदे से हारी हैं, तो वो जिन्होंने एक अपना ही एक वजूद बना दिया इस शो के अंदर आके. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल थ्री. यस. लास्ट. सो शिल्पा शिंदे वॉज देयर एंड शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग. यूड बी मतलब कल ना उनका एक चारों आए थे, विकास शिल्पा वगैरह, ये लोग सब लोग आए थे. विकास शिल्पा पुनीश आशी आशी वॉज देयर. अरे तो अब जब ये लोग सब लोग जब आए थे तो आपको हम तो फैंस की तरह देखते थे उनको बिग बॉस में सबको, बिकॉज एक ही तो शो है जो हम लोग मतलब शुरू से लेकर के अंत तक हर एपिसोड ऐसे लगा के देखते थे. तो फॉर देम टू कम टू आवर शो वॉज एक्चुअली एक हमारे लिए भी एक अच्छी खुशी की बात थी. एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड ह्यूमर एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइट हार्टेड ह्यूमर विद देम. वी हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया जी.